हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीत फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ना स्टार्ट करने वाले थे और आज उसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में जहां तक हमने चीजों को कवर किया, एक छोटा सा उससे रिविजन कर लेते हैं कि भैया पिछले क्लास में हमने देखा था कि हमने पूरा तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बनता है, सबसे पहले होता है किसी भी सरफेस से, जो भी कंडक्टिंग सरफेस है उसमें फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज पैदा करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से जन्म लेता है कौन, तो इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। ये सारी बातों को आपने सीख रखा है। एक दो अच्छे क्वेश्चन और देख लो, जैसे पिछले क्लास में ट्रांसफार्मर एक डिवाइस पढ़े थे, मैंने बोला था जादुई डिवाइस है, इनपुट कम डालो आउटपुट ज्यादा निकालो, बिना थर्मल पावर प्लांट के, बिना कोयला जलाए भी हम लोग हाई करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस जादुई डिवाइस का नाम क्या है सर, ट्रांसफार्मर। तो एक सवाल है बस ऐसे ही नॉर्मल टाइप का कि ट्रांसफार्मर में, अपचाई ट्रांसफार्मर में किस राशि में वृद्धि होती है। तो मैंने बताया था आप लोगों की ट्रांसफार्मर आर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर और सेकंड था हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन नाम में बस इतना है कि वो वोल्टेज चेंज करता है। याद रखना, ट्रांसफार्मर डायरेक्टली करंट को चेंज नहीं करता। ये नाम मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी पे एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी को यूज करते हुए क्या करता है, वोल्टेज को वेरी करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा देता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज घटा देता है। और ये रिलेशन आप सबने देखा था, क्या देखा था कि भैया जो वोल्टेज है Vs अपॉन Vp वो एक्चुअल में Ip अपॉन Is होता था। P मतलब प्राइमरी और C मतलब S मतलब सेकेंडरी की बात हो रही है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ का उल्टा काम हो रहा है, मतलब वोल्टेज जो है ना वो करंट की क्या है सर, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अरे देखो ना, यहाँ सेकेंडरी का वोल्टेज है तो सेकेंडरी का करंट उल्टा है ना। तो ऐसे में आप समझ पा रहे हो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाता है, बोले तो करंट घटाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहां किसकी बात की गई है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो वोल्टेज को घटाएगा। पर सवाल में क्या पूछा गया, किसकी वृद्धि की जाती है, तो किसको बढ़ाएगा सर, करंट को बढ़ाएगा। ये बात याद रखना, यही आप लोग का घुमा घुमा के सवाल पूछेगा, आराम से आपसे बनना चाहिए। चलो आगे के क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अब देखो, अब यहां से अल्टरनेटिंग करंट हमारा लगने वाला है। खूब मजे से पढ़ना भाई अल्टरनेटिंग करंट। इसमें रिलेटेड मैं आप लोगों को पहले तो एक दो चीजें बता दूं कि V इक्वल्स टू, आप लोग जनरल इक्वेशन लेते हो V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसे ही आप लोग I इक्वल्स टू मेरे प्यारे साथियों लेंगे I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तीन से चार फॉर्मूलों के अंदर ये पूरा चैप्टर समेटा जाता है ना भाई, कौन कौन से फॉर्मूले है तो ध्यान देंगे। जो V नॉट है ना दोस्तों, इसको हम लोग पीक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पीक वैल्यू, मतलब ये शिखर मान है। क्या है सर, शिखर मान। करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसका पीक वैल्यू। ठीक है, एक दूसरी वैल्यू आती है, इसको आरएमएस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर, हिंदी में बोलेंगे वर्ग माध्य मूल मान। ये जब भी आप लोग कोई भी बल्ब खरीदते हो मार्केट से या एक बैटरी खरीद के लाते हो, नोटिस किए होंगे कि आप मान लीजिए रिमोट की बैटरी खरीद के लाए, तो ये रिमोट का जो आपने सेल खरीदा था ना, उस पर आप अगर नोटिस करेंगे तो उस पर 1.1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट ऐसा कुछ लिखे रहता है। घरों में अगर बिजली पैदा करनी है तब आप लोग 220 वोल्ट की बैटरी लाते हो जिसको आप इन्वर्टर से जोड़ते हो। तो ये जो प्रिंटेड मटेरियल है ना, जो 220 वोल्ट उस पर अंकित है, जो 2 वोल्ट उस पर प्रिंटेड है, वो उसकी कौन सी वैल्यू है, तो सर वो उसकी आरएमएस वैल्यू है। इसलिए जब आप सवाल लगाओगे, और कई कई बार सवाल में बस आपको बोल देगा कि वोल्टेज हमारा 20 वोल्ट है, ऐसा बोल दिया है, उसने नहीं बोला है कि वो कौन सा वोल्टेज है। वोल्टेज दो टाइप का लेंगे, एक पीक वोल्टेज लेंगे शिखर मान, और दूसरा वर्ग माध्य मूल मान लेते हैं, और एक तीसरा आता है एवरेज वोल्टेज। ऐसे ही सेम ये तीनों वैल्यू किसके लिए चलेंगी, करंट के लिए भी चलेंगी। बट अगर मुझे सवाल में ये बोला गया है कि, बोल दिया एक एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें 20 वोल्ट काम कर रहा है, तो भैया 20 वोल्ट काम कर रहा है तो वो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो आप लोग का एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसको, आरएमएस वैल्यू को। और आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में एक रिलेशन है दोस्तों, हमेशा याद रख लेंगे कि पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है क्या, आरएमएस वैल्यू। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, जो पीक वैल्यू होगा वो आरएमएस वैल्यू का √2 टाइम्स होगा। कोई दिक्कत है किसी को, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस काम करते हैं, करंट वाले को इधर लिख देते हैं। चलिए ये देखिए, ये करंट वाले के लिए रहेगा, आई इक्वल्स टू अपन क्या लिखे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, कई बार फाइव भी लिख सकते हो, अगर फेस एंगल है तो अपन फाइव लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे।
ये फेस एंगल का भी एक चीज समझ लीजिए कि आप लोग आगे चल के सर्किट पढ़ोगे, LR सर्किट, RC सर्किट, LCR सर्किट। तो एक छोटा सा जो पॉइंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमेशा बनता है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इंडक्टर है मतलब प्रेरकत्व है, तो प्रेरकत्व में याद रखना कि प्रेरकत्व में वोल्टेज डोमिनेट करता है और करंट जो होता है पीछे चलता है। करंट और वोल्टेज में वोल्टेज डोमिनेटर है, करंट पीछे है। जो कैपेसिटर सर्किट होता है, कैपेसिटर के केस में करंट डोमिनेटर होता है, वो लीडर होता है, और जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो लैगर होता है। पाई बाई टू का डिफरेंस चलता है, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना चलता है, पाई बाई टू। तो जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला ना, उस पर सवाल बनते हैं, आगे चल के दिखाऊंगा मैं। ऐसे ही मैंने आप लोगों को बोला IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, बिल्कुल यहीं से ये वाला रिलेशन उठा लो, विल बी I0 अपॉन रूट टू। या मेरे प्यारे साथियों, I0 की वैल्यू आप लोग अगर IRMS की वैल्यू पता हो तो आप लोग उसकी पीक वैल्यू ऑफ करंट भी ला सकते हो। एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा। एक फॉर्मूला आता है दोस्तों एवरेज वोल्टेज या एवरेज करंट, ये याद रखना, ये हमेशा 2I0 अपॉन में पाई होता है। ये तब के लिए है जब हाफ वेव बने, जब क्या हो, हाफ वेव बने। हाफ वेव में ऐसा केस बनता है, क्या कारण है पता है, क्योंकि आपको पता है ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए ले रहे हो, और अल्टरनेटिंग करंट में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों साइड ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है ना। अगर हम लोग एवरेज करंट लेंगे फुल वेव में, तो भैया फुल वेव में जितना ऊपर गया, मैं यहाँ वोल्टेज लो, यहाँ वोल्टेज लो, जितना ऊपर गया उतना ही वैल्यू नीचे हुआ, एम्पलीट्यूड तो सेम रहता है। तो याद रखना, एवरेज वोल्टेज या एवरेज करंट, अगर फुल वेव की बात की जाएगी, मतलब पूर्ण तरंग की बात की जाएगी, फुल वेव की बात की जाएगी, तो वो जीरो ली जाती है, वो क्या ली जाती है, जीरो। और अगर हाफ वेव की बात की जाएगी तो I0 लिखा गया यहाँ पर, ये V0 अपॉन पाई कर देना, ठीक है, मतलब पीक वैल्यू है V0। सिमिलरली मेरे प्यारे साथियों, एवरेज करंट अगर मैं आपसे पूछूंगा, एवरेज करंट पूछ रहा हूँ, कब का केस में जीरो आएगा, कब आएगा सर, जब फुल वेव रेक्टिफायर बनेगा, जब फुल वेव रहेगा, और यही एवरेज करंट आप ले सकते हो 2I0 अपॉन पाई, जब वो क्या रहे, हाफ वेव बनाए, मतलब केवल पॉजिटिव वाले टर्मिनल को लो या केवल नेगेटिव वाले टर्मिनल को लो, तो ये लोग एक दूसरे को कैंसिल तो कर नहीं रहे, तो इस तरीके से ये आप लोग का फाइनल वैल्यू आ गया। इतने ही फॉर्मूले से ये आप लोग का पूरा चैप्टर डील होता है। तो ये फॉर्मूला का जो मैंने लिस्ट बना दिया ना, इतना ही कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में। अब दिखाऊंगा मैं आप लोग को बड़े बड़े सवाल को ना, कैसे हम लोग चुटकियों में ढहाते जाएंगे। आपने थ्योरी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, दैट्स विल बी नॉट इम्पॉर्टेंट, सवाल से कैसे सवाल लगता है उसको सीखो। 240 वोल्ट एसी बोल दिया, अभी कुछ नहीं बोला, ये क्या है, ये एवरेज करंट है कि आरएमएस करंट वोल्टेज है कि ये अपना पीक वोल्टेज है, कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोला है तब वो आरएमएस है, तब वो क्या है सर, आरएमएस है। हर प्रिंटेड वैल्यू या हर जो क्वेश्चन में भी प्रिंटेड वैल्यू आती है वो आरएमएस होती है। आप लोग को शिखर मान लाना है, मतलब वी नॉट की वैल्यू लानी है भाई। अभी अभी रिलेशन आपने डायरेक्ट पढ़ लिया, वी नॉट इक्वल टू रूट टू टाइम्स होता है वी आरएमएस से। याद रखना, पीक वैल्यू हमेशा आरएमएस वैल्यू से ज्यादा होगी, क्योंकि उसका नाम ही है ना पीक वैल्यू, शिखर मान, जो पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है, पीकेस्ट पॉइंट पे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो वैल्यूज यहाँ पर लाके रखिए दोस्तों, ये हो गया रूट टू टाइम्स, और ये है हमारा 240। रूट टू की वैल्यू सभी को पता है, 1.414 लेते हैं हम लोग, और ये 240 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसे ही देख रह रहा हूँ, 14 चौक 56 और 14 दुना 28, 28 में आप लोग 5 जोड़ दीजिए तो 33 के आसपास आंसर होगा, तो 340, कहानी खत्म। मैं कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई और दुनियादारी में या मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वो सेकंडों का खेल रहता है, ठीक है। आप लोग उसी में सबसे ज्यादा डरते हो सर, कैलकुलेशन में समय लगता है, क्यों लगता है भाई, नहीं लगना चाहिए। अगले सवाल में आ जाइए, सवाल दे रहा है I=, दोस्तों I=, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, 2√2 cos ωt+5। ये आपको क्वेश्चन बना के दिया है, आपसे बोल रहे द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट आप लोग को लाना है, IRMS की आपको वैल्यू चाहिए। भैया एकदम आसानी से आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ रखा है कि सर I=, होता है I0 वही साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो आप अपने से रिलेट कर सकते हो, ओके। वो जो फाइव था वो 90 डिग्री के टर्म्स में आ जाएगा, तो साइन जो होता है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। मुद्दा ये था ना कि अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा ना इस डाटा को, तो ये डाटा मुझे किसके इक्वल दिख रहा है, तो मुझे I0 की वैल्यू मिल चुकी है, I0 की वैल्यू मिल चुकी है सर 2√2 एम्पियर।
हमसे IRMS लाने बोला है। कितना आसान हो चुका है सवाल, इससे ज्यादा इजी पेपर में सवाल आएगा क्या भाई? क्या करना है, सीधा ये रिलेशन लगाना है। IRMS I0 से कम होता है इसलिए उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। जैसे ही डिवाइड किया, दिस विल बी 2√2 अपॉन में 2√2। वैल्यू देखिए 2 एम्पियर क्या ऑप्शन में है, अगर है तो भगवान ब्रह्मा भी गलत नहीं कर पाएंगे। चलिए है भाई, हो गया आंसर डी। आगे बढ़ जाए, आपका सॉल्व किया हुआ अगर ऑप्शन में दिख जाए ना तो मतलब भैया बल्ले बल्ले है, सही बनाए हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज के सीरीज का, वो रहा है 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। भैया इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखा है 1 हेनरी, वोल्टेज दे रखा है हम लोग को 220 वोल्ट, है जी। आगे बोल रहा है यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो शक्ति क्षय का वैल्यू बताइए। इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है दोस्तों 50 हर्ट्ज, कितना दिया है 50 हर्ट्ज। आप लोगों को बोल रहा है पावर जो हमारा लॉस हो रहा है ना, पावर लॉस, ये आपकी वैल्यू बतानी है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, पावर लॉस की वैल्यू हमको बतानी है, कितना आएगा शक्ति में, जो क्षय हुआ ना शक्ति में वो कितना आएगा। तो हमने फाइनल पावर का फॉर्मूला पढ़ रखा है, पावर इज इक्वल टू, याद रखेंगे ये फॉर्मूला, VRMS इंटू IRMS इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को cos phi से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ दोस्तों, ये जो cos phi होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, तो सर ये R/Z होता है, मतलब कि रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस होता है, ठीक है, या इंडक्टेंस होता है। तो इस Z की वैल्यू कितनी होती है, चलो ये Z भी समझ लो। अगर LCR टाइप का हमारा सर्किट है दोस्तों, अगर LCR टाइप का सर्किट है तो Z की वैल्यू आती है R² + XL - XC² ये सब फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, XL हमेशा होता है ωL, ओमेगा होता है 2π times of frequency इनटू क्या लग गया L, क्या है सर हमारा इंडक्टेंस है, प्रेरकत्व का मान। एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, चलो XC जो होता है दोस्तों ये होता है 1/ωC, और फिर से ओमेगा की वैल्यू आप लोग समझ गए, दिस विल बी 2π frequency into C। सी क्या है सर, सी कंडक्टेंस है, संधारित्र का मान। एक और फॉर्मूला बता देता हूँ सर, इनके बीच का जब भी एंगल लोगे ना, अगर मेरा LR सर्किट है, क्या है सर LR सर्किट है, सुनना मेरी बात को, केवल लेंथ इंडक्टर और रजिस्टर है। LR सर्किट की अगर बात करूंगा तो मैंने अभी आपको लोग बोला कि वोल्टेज ऑफ जो हमारा L रहेगा ना वो हमेशा रेजिस्टेंस के वोल्टेज पे डोमिनेट करता है। LR सर्किट में मैंने बार बार बोला वोल्टेज डोमिनेटिंग होता है, करंट लैगिंग होता है, वोल्टेज लीडर करंट लैगर। इसलिए इनका जब ग्राफ भी बनता है ना, इनका फेज डायग्राम जब आप बनाते हो तो जो वोल्टेज रहता है वो π/2 फेस आगे चलता है और करंट उससे π/2 फेस पीछे चलते रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सोचने वाली बात है। मैं पूरा का पूरा चैप्टर ना आपको एक क्वेश्चन में करा के दे रहा हूँ, पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम पूरा। 6 से 7 फॉर्मूले मैंने आप लोग को इस चैप्टर में जितने यूज होते हैं एक सिंगल सवाल में इसको कवर करवा रहा हूँ, देखते जाओ बस आगे। इस केस में ना जो tan थीटा आता है या tan phi आता है, जो फेस एंगल आएगा वो याद रख लेना वो XL/R होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने एक और सर्किट ले लिया, कौन से सर्किट ले लिया, और सोचो RC सर्किट ले लिया। RC सर्किट में आप हमेशा याद रखना कि करंट डोमिनेटिंग होता है, मतलब अगर वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर लोगे ना तो ये नीचे बनेगा। नीचे क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज लैग करता है, पीछे चलता है π/2 करंट से। कैपेसिटर में करंट लीडर है और इंडक्टर में प्रेरकत्व में वोल्टेज लीडर है। ये छोटी सी बात को ध्यान से पकड़ के चलना, हमेशा इस पे सवाल बनता है, इंडिया के बड़े बड़े एग्जाम्स भी इस पे सवाल बना है। इस केस में अगर मैं tan phi लूंगा तो इस बार अपना XC/R आ जाएगा, और LCR सर्किट लोगे उस समय Z लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपका XC, XL और R यूज हो रहा है। एक और स्पेशल केस, 8th नंबर केस, याद रखना रेजोनेंस। रेजोनेंस अनुनाद जब होता है तब XC और XL आपस में इक्वल हो जाएंगे, जब इक्वल हो जाएंगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, मतलब Z इंडक्टेंस या जो इंपीडेंस है वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस के बराबर आता है, कब, रेजोनेंस के केस में। अब मेरे प्यारे साथियों ये पूरा फॉर्मूला अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो अब हम इस सवाल में आते हैं। सवाल में जो जो डाटा दिया था एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, क्या दिया था, वोल्टेज दे रखा है हम लोग को, जब भी कोई भी वोल्टेज नहीं दिया है तो RMS वोल्टेज दिया है, ठीक है, ऐसे बोला तो नहीं है ना, पीक वोल्टेज नहीं बोला है, तो सर RMS वोल्टेज दिया है 220। आपसे क्या बोल रहा है, और आपसे फ्रीक्वेंसी दिया है सर 50 हर्ट्ज, और आपसे ना बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रेरक बोल रहा है, इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखा है,
क्या दे रखा सर? इंडक्टेंस एल की वैल्यू दे रखी है कितनी सर? 1 हेनरी, उसका यूनिट होता है 1 हेनरी। स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं एल को हम लोग। और अब ध्यान से समझेंगे, जब बात आ रही है ना सेल्फ इंडक्टेंस वाली सर्किट की, मतलब कि प्रेरकत्व वाली जो परिपथ होती है ना, प्रेरकत्व परिपथ में सेल्फ इंडक्टेंस वाली जो सर्किट होती है, वहां पर आप सब लोग याद रख लेंगे कि जो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, यहां पर कॉस फाई की वैल्यू 0 ली जाएगी। क्यों? क्योंकि फाई की वैल्यू 90 डिग्री ली जाएगी। मैंने बारंबार बोला कि जब भी इंडक्टर का केस आता है, प्योर इंडक्टर का जब भी केस आएगा, तब आपको ये बात समझ में आ रही कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट से आगे चलेगा। कितना आगे चलेगा? 90 डिग्री आगे चलेगा। दैट्स व्हाई उनके बीच में बनने वाला फेस एंगल फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। और कॉस 90 की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आती है? सबको पता है 0 होती है। कॉस 0 1, कॉस 90 0। और अभी आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया पावर लॉस। तो भैया पावर लॉस ये फॉर्मूला याद रखो, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू व्हाट? पावर फैक्टर कॉस फाई। कॉस फाई कितना हो चुका है भैया? 0 हो चुका है। दैट्स व्हाई पावर लॉस कितना हो गया? 0 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। बस इस एक सवाल था तो ये इतना छोटा सा सवाल, मैं कह सकता था कि सीधे देखो ये वाले सर्किट में इसका आंसर 0 होता है, बट इस एक क्वेश्चन में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने घुमा दिया। तो इस एमसीक्यू सेशन वाली क्लास की यही ब्यूटी है कि पूरा का पूरा हम पोस्टमार्टम करते चलेंगे ना, एक एक सवाल से चैप्टर पोस्टमार्टम करेंगे। और खूबसूरत बात यह होगी कि भले ही किसी स्टूडेंट ने भले ही ये चैप्टर पहले पढ़ा हो या स्किप हो गया होगा, छूट गया होगा समय की कमी के कारण, मगर अब आप देखेंगे कि आज के क्लास में इसके बाद जितने सवाल लगेंगे ना, आप खुद वीडियो को रोकेंगे और स्वयं से प्रयास करेंगे, आपसे सवाल अब लगने शुरू हो जाएंगे। जादू होने वाला है, ठीक है? चलो जादू का मजा लो। हाँ जी, आ गया क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की दशा है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस? अब भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, रेजोनेंस के केस में एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर होते हैं। एक्सएल क्या होता है सर? तो ओमेगा एल होता है। एक्ससी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, 1/ωc। तो मेरे प्यारे साथियों एल को यही रहने दो, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा नीचे आके क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू सी। ऐसा ऑप्शन है, कहानी खत्म। बना था कि नहीं बना सवाल अपने आप? पिछले सवाल के एक कॉन्सेप्ट ने अगले सवाल को बना दिया। और इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में पूछ देता है, ये आप लोग किसी किताब में देखे नहीं रहते हो, आ जाएगा एग्जाम में, होश उड़ा देगा, हे दाई हे दादा का पूछ दे रे सरे, ये वाला सोचोगे फिर एग्जाम में बैठ के, कैसे एल के टर्म में ओमेगा दिया है? हम फॉर्मूले रटे रहते हैं, हम ये रटे रहते हैं, हम ये करना नहीं जाते हैं। और फिजिक्स यही है, आप बस एक स्टेप आगे सोचना सीख जाओ ना, कहानी सॉल्व हो जाती है। आगे आइए दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा, क्या पूछा है? इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन एन अल्टरनेटिंग करंट एंड द वोल्टेज इज पाई बाई टू। ध्यान से समझना, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस दिया है पाई बाई टू। तो अपन समझ गए कि या तो ये LR सर्किट पे जाएगा या तो ये RC सर्किट पे जाएगा, क्योंकि यही दो ऐसे कंडीशन है जहां पे करंट और फेज डिफरेंस के बीच में हमारा जो सर्किट रहता है ना, वोल्टेज रहता है या करंट रहता है, उसके बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस चलता है। ओके, आगे आप लोग से बोल, LCR भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। Which of the following cannot be the part of the circuit? अच्छा, बोल रहा है कौन सर्किट का पार्ट नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, ये तो एक बात तो समझ में आया, फेज डिफरेंस पाई बाई टू दिया है। दोस्तों अगर फेज डिफरेंस पाई बाई टू दे दिया है ना, तो इतना तो आप लोग समझ जाइए कि अगर हमारा फेज डिफरेंस पाई बाई टू है दोस्तों, तो यहां पर अपने को ना पावर फैक्टर पाई की वैल्यू कितनी दे रही है? पाई बाई टू। एक काम करता हूं, मैं LR सर्किट मान के चलता हूं, LR सर्किट में मान के चलता हूं। इसमें एक काम कीजिए कि tan phi इज इक्वल्स टू, आप सब लोग को पता है क्या लेते हो सर? XL अपॉन में R लेते हो। चलो phi की वैल्यू लाके पुट कर दो, तो जो आप लोगों को गिवन थी, phi कितना है? tan pi by 2। tan pi by 2 इक्वल टू XL, XL क्या होता है सर? ओमेगा इंटू L, R नीचे है। अच्छा, tan 90 डिग्री की वैल्यू सबको याद है सर? tan 0 डिग्री 1 होता है, 0 होता है, और tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को मैथमेटिक्स में 1/0 से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन डिनोमिनेटर गेट्स 0 वैल्यू शुड बी इन्फिनिटी। तो भैया आप समझ रहे हैं कि डिनोमिनेटर हर का मान अगर शून्य हो जाता है, तो उस अंक का मान अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो आपका डिनोमिनेटर जीरो है, यहाँ पर ओमेगा एल इंटू आर। अगर मैं रिलेट करूंगा दोस्तों, रिलेट करूंगा, तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो जीरो होगी। सवाल के नेचर को पढ़ो, सवाल में बोल रहा है कौन सा परिपथ का घटक नहीं हो सकता? भैया रेजिस्टेंस जीरो है, तो जिस ऑप्शन में रेजिस्टेंस को इसने इंक्लूड किया होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो गायब हो गया ना, वो तो जीरो हो गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं हो सकता ये पूछा गया है, तो बोल रहा है आर और एल दोनों मौजूद होंगे। भैया यही आंसर है, क्यों? क्योंकि आर तो आपका जीरो खा चुका है, उसकी तो वैल्यू जीरो हो चुकी है, तो हटा देना पड़ेगा उसको। चलो मजा आ रहा ना भाई, अब सवाल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं?
ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक 0.75 हेनरी के प्रेरक से जोड़ा गया, यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इनमें शक्ति क्षय क्या होगा। अभी तो इसको सॉल्व किया थे क्या भाई, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही हो गया ये भी, ठीक है। प्योर इंडक्टर का केस बन गया ना, प्योर इंडक्टर के केस पे पावर लॉस जीरो कर देना। चलो अगला सवाल ध्यान से देखो और प्यार से बनाओ। बर्फ 15 एम्पियर धारा वहन करने वाले सीधे तार, मैं बार बार बोला हूं, जब भी सीधा तार बोल देना एम्पियर्स लॉ लगा लेना। और एम्पियर्स का क्या बोल के गए इस धरती वालों को कि सर बी वेक्टर डॉट ऑफ डीएल वेक्टर इक्वल्स टू अपन करेंगे म्यू नॉट इनटू आई। तो मेरे प्यारे साथियों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां से आप लोग को मिलती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, आर क्या डिस्टेंस है। ओके सवाल दिया है, सवाल में बोल रहा है सीधे तार से कितनी दूरी पर है सर, दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 × 10⁻²⁻² हो गया ये, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आगे आप लोगों को बोल रहा है करंट की वैल्यू, भैया करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 15 एम्पियर दे रखी है, सवाल उठाओ। और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। चुंबकीय प्रेरण का मान पूछा है, अरे बबुआ टाइप का क्वेश्चन हो गया, आराम से ना डील हो जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू जन्म जन्मांत से आपको पता है 4π × 10⁻¹⁷ होती है। आई की वैल्यू दिया है 15 डिवाइडेड बाई 2πr की वैल्यू अपने को पता चल चुकी है सर 5 × 10⁻²। सब कुछ तो आपके पास नोन है, आराम से ना निकलेगा। 5 से ये 15 उड़ा दिए, 2/3 कितना होता है सर, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 6 आएगा, और ये 10⁻²² ऊपर जाके +2 हो जाएगा जो उस -7 के साथ क्या देगा 6 × 10⁵ टेस्ला। जब भी सीधा तार बोल दे, सीधा तार सवाल में अगर दिखता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr लगाने का है, एकदम दिमाग में बसा लो, ठीक है, सीधा बसा लो। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। देखिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में कौन जीतता है भाई, वीडियोस रोका करो और खुद से ट्राई करो। अब देखो आपसे बन रहा होगा, सवाल अब नहीं होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, मैं पहले ही आप लोग का पूरा पोस्टमार्टम करके पूरा सार समरी सब सिखा चुका हूं। पूछा गया है इन अ सेफ्टी फ्यूज द टेम्परेचर टू विच द गेट्स द हाई हीटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक सुरक्षा फ्यूज में तार के गर्म होने पर तापक्रम प्रत्यक्ष समानुपाती होता है किसके। अरे तापक्रम की बात कर रहा हूं, मतलब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का मैंने 3-4 फॉर्मूला बताया था। पहला ये था VIT, एक फॉर्मूला ये था भैया हमारा, दूसरा फॉर्मूला हीट एनर्जी इक्वल टू आपने पढ़ रखा था I² × R × T, ये फॉर्मूला आप तब यूज करते थे जब आप लोगों को करंट की वैल्यू दी जाती थी। और एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे हीट एनर्जी इक्वल टू V² / R × T। अगर मैं करंट के साथ रिलेशन बोला है ना, सारे ऑप्शन में करंट ही करंट तो है, तो करंट के साथ हीट एनर्जी का क्या रिलेशन दिख रहा है सर, वो धारा के वर्ग के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। समझ में आई बातें, बन रहा है, कौन सा नया रॉकेट साइंस पढ़ने को आपको मिला, सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल देखिए भाई, सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है किसी एसी परिपथ में शक्ति का मान प्राप्त करने का सूत्र क्या है भैया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है VRMS IRMS इनटू व्हाट cos phi टर्म्ड एज द पावर फैक्टर वैल्यू शुड इक्वल्स टू R/Z, ठीक है, इसकी वैल्यू R/Z से इक्वेट करते हैं। और रेजोनेंस के केस में आप सबको पता है, एट रेजोनेंस आपको पता है आर और जेड एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो इसलिए R बराबर Z होता है, तो जो cos phi है वो R/Z होता था तो वो 1 होता है, इसका मतलब वहां पर फेस एंगल 0° आया होता है, क्योंकि ये भी एक नया एडिशनल पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां से, फिजिक्स ऐसे ही चलता है, आपको सोचना है, आपको ना फॉर्मूलों से फॉर्मूले निकालने आ जाए जिस दिन, उस दिन सवाल लगने शुरू हो जाएंगे। तो बस वही था, वो cos 1 कब होता है 0° में, तो phi की वैल्यू 0, तो रेजोनेंस का जब कंडीशन होता है ना, इसीलिए तो मैंने बोला ना दोस्तों रेजोनेंस के केस में आपको पता है XLXC के बराबर होता है, RZ के बराबर होता है, ये सब क्या है रेजोनेंस के अलग अलग कंडीशन ही तो आ रहे हैं। और उस केस पे पूछ देगा कि अनुनाद की स्थिति में फेस एंगल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हाँ जी, एक ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है,
पूछा गया है, एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 11 वोल्ट में बदल दे रहा है, मतलब प्राइमरी वोल्टेज अपने पास दिया है 220 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज अपने पास दिया है सर 11 वोल्ट, ये जो बदल देता है तो फाइनल आउटपुट हमारा सेकेंडरी है। ओके, प्राथमिक धारा आप लोग को इन प्राइमरी करंट दे रखी है सर 1 एम्पियर और हम लोग को सेकेंडरी करंट की वैल्यू निकालने पूछा गया है, दिया है बढ़िया है। द्वितीयक धारा सेकेंडरी करंट की वैल्यू अपने को 18 एम्पियर दी हुई थी। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लानी है, भैया एफिशिएंसी, अरे आपकी खुद की एफिशिएंसी अगर आप लाते हैं, मान लो कोई बच्चा क्लास 10th में पढ़ रहा है तो आप सुनते हैं ना कि अरे इस बच्चे के 94% आए, तो हमारा सामाजिक सोसाइटी यही कहता है अरे 94% लाया अच्छा लड़का है, और कितना कुकर्मी है नहीं पता हमको, बट ये जानते हैं 94% लाया 98% लाया है, मतलब वो भगवान का लिया हुआ अवतार है। और कोई 32% लाया है बेचारे को हम लोग जीने नहीं देते हैं, कोई 60% लाया तो खाना खाने तक जिंदा रखते हैं, है ना। तो ये चीजें ऐसी हैं कि हम परसेंटेज से क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं, और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो आपकी एफिशिएंसी है, दक्षता है। कोई 95% लाया तो ऐसे ही नहीं लाया है, उसने साल भर समय दिया है, मेहनत किया है तब वो लाया है। कोई 32% लाया तो इस बात को चीख चीख के बयां कर रहा है कि या तो उसके साथ कुछ अप्राकृतिक घटनाएं घटी हैं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले उसके साथ कुछ हो गया होगा, या तो उसने साल भर ना मस्ती किया है, पढ़ाई नहीं किया है, है ना। तो एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब आपको जैसे आपके बोर्ड के पेपर की एफिशिएंसी लानी थी, मान लो 12वीं में आपने बोर्ड दिया है, 500 नंबर का कुल पेपर होता था, उसमें आप 400 नंबर स्कोर किए तो आपकी एफिशिएंसी होगी सर 80%, कितनी होगी 80%। किसी ने 450 स्कोर कर दिया तो उसकी एफिशिएंसी है 90%। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आप क्या करते हो, पहले टोटल इनपुट कितना था, अरे पेपर देने से पहले इनपुट क्लियर था, जैसे 12th मीटर किए थे इनपुट क्लियर था, 500 नंबर के 5 पेपर होंगे, 500 का पेपर होगा तो इनपुट हमेशा नीचे आएगा, इनपुट हमेशा नीचे आएगा, ऊपर में आपको आउटपुट आएगा, और इनटू परसेंटेज में लाना है तो 100 कर देना। अब ये इनपुट आउटपुट पावर के टर्म में लो दोस्तों, किसके टर्म में लो, पावर के टर्म में। तो इनपुट पावर मतलब प्राइमरी पावर, आउटपुट पावर मतलब सेकेंडरी पावर, इनटू व्हाट 100 करना है। तो भैया सेकेंडरी पावर क्या होता है, VSIS, प्राइमरी पावर क्या होता है, VPIP, है ना। cos phi हटा देना, दोनों और कट जाएगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग उसकी क्षमता दक्षता पावर बोलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी, सेकेंडरी वोल्टेज 11 था, सेकेंडरी करंट 18 था, प्राइमरी वोल्टेज 220 था, प्राइमरी करंट आप लोग का ओनली 1 एम्पियर का था, और 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा रहे हो आप लोग, तो आप देख पाओगे ये 11 से ये 11 × 22 10 बढ़ जाएगा, फिर ये 2 से कैंसिल होगा, 2 × 9 = 18 और ये 2 × 10 = 10, फिर ये 10 और ये कैंसिल, मतलब आपकी एफिशिएंसी नियर अबाउट कितनी आ रही सर, 90% की आ रही है। कितनी आ रही सर, 90% ऑप्शन में है। तो अगर आप लोगों को ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो ये मत बोलने लगना कि उस लेवल का क्वेश्चन आया था, रॉकेट साइंस लेवल का आया था, अरे बहुत सरलता से बनता है। हाँ जी, अगला सवाल देखिए, वीडियो रोकिए, स्वयं से ट्राई कीजिए, आपसे हमें बनेगा, मुझे पूरा भरोसा है मेरे स्टूडेंट से बनेगा। सवाल को पढ़ते हैं आप दोस्तों, V = दिया है 100 sin 100t, मतलब बात समझो मेरी, अगर मैं V = V0 sin ωt से अगर मैं इसको रिलेट कराया ना सर, किसको रिलेट कराया, इसको क्या दिया था डाटा, 100 sin 100t, तो भैया यहां से कंपैरिजन जैसे ही कराने जा रहा हूं, मुझे V0 की वैल्यू, पीक करंट की वैल्यू मिल चुकी है सर 100 वोल्ट, और साथ में ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी है वो भी 100, ωt = 100t, तो ओमेगा की वैल्यू 100। अब ये वाले में आओ, करंट वाला इक्वेशन देखो, इसको भी I0 sin ωt + φ से रिप्रेजेंट करते हो, तो इस इक्वेशन से अपने को फाइव की वैल्यू मिल चुकी है π/3, कहां से उठाया, इस इक्वेशन से उठाया। अब आपके पास जो डाटा है वो है, I0 की वैल्यू भी आपको मिली चुकी है, I0 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, वो भी 100 एम्पियर है। अरे यहां से देखो ना, आपसे बोल रहे परिपत्र विलुप्त होने वाली शक्ति क्या है, भैया पावर पूछा है आपसे, का नहीं पूछा है, पावर पूछा है, एकदम बबुआ क्वेश्चन हो गया ये तो। पावर इज इक्वल टू, पढ़ चुके हो भैया, VRMS × IRMS, ध्यान देंगे यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर करंट लेते हैं, वो मत ले लेना, सीधे सीधे V0 I0 मत ले लेना। अब ध्यान से देखो,
पावर लाना है, वी आर एम एस की वैल्यू को अपन चाहे तो वी नॉट अपॉन रूट टू ले सकते हैं ना। अरे आर एम एस वैल्यू हमेशा क्या होती थी, पीक वैल्यू के 1/√2 टाइम्स होती थी। ऐसे ही आर एम एस करंट क्या होता था, पीक वैल्यू के हमेशा √2 टाइम्स होता है, 1/√2 टाइम्स होता है। मैंने बोला ना पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको पूरे चैप्टर के फॉर्मूले करा रखे थे, सीधे सीधे इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग उसको। तो वी नॉट अपॉन रूट टू आई आर एम एस की जगह पे आई पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन रूट टू कॉस फाई की जगह पे दोस्तों अब अपन कितना रख देंगे सर, जो दिया है कितना दिया है पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री मीन्स कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो कुल मिला जुला के अब आपको बस यहाँ पर डाटा पुट करना है और ऑप्शन चेक करना है कि आपका ऑप्शन मैच कर रहा भी है कि नहीं। ये देखो ये 100 हो गया इंटू आई नॉट भी 100 हो गया और कॉस 60 डिग्री होती है सर 1/2। नीचे देखो √2 कितना हो गया सर 2, मतलब हम लोग को क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है नीचे में। 4 से 100 को कैंसिल कर दोगे कितने में कट जाएगा सर 25 में, 25 × 100 को कोई बच्चा चाहे तो 2.5 × 10³ और पावर का यूनिट होता है वॉट। तो फाइनली हम लोग को मिल रहा है 2.5 किलोवाट। 10³ को क्या लिखोगे किलोवाट, ऑप्शन में बिल्कुल है। पर सवाल को कितनी खूबसूरती से हमने अरेंज करके बनाया, ये है आप लोग का असली साइंस, ठीक है। तो होप सो सबसे ये सवाल बना होगा और आगे का सवाल भी बिल्कुल बनेगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है। मैंने आप लोग को पढ़ाते समय बताया था कि ट्रांसफार्मर एक तो यहाँ पर आप लोग फ्रिक्वेंसी को कॉन्स्टेंट रखते हो, पहला पॉइंट एनर्जी को कंजर्व रखते हो, दूसरा पॉइंट इनपुट पावर आउटपुट पावर को आप इक्वेट करा के वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन लाते हो, वो सब आपको पता है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी आपने पढ़ लिया, और क्या पढ़ते हो ट्रांसफार्मरवा में। तो एक चीज समझ लेना, ट्रांसफार्मर केवल व केवल एसी सर्किट पर काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। बैटरी से आप ट्रांसफार्मर चला लेना चाहोगे ना तो आप जिंदगी लगा दोगे, ट्रांसफार्मर नहीं चलेगा आपका, ठीक है। और कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो सर दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन का मतलब ये, वोल्टेज बढ़ा दे तो स्टेप अप, उसमें वो करंट घट जाता है, और स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज घटा दे तो करंट बढ़ जाता है। तो ये जादुई डिवाइस है भाई, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इससे ज्यादा बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है। अगला सवाल है दोस्तों, वो रहा है किसी चालक में 10√2 एम्पियर की धारा स्थिर धारा प्रवाहित हो रही है, वर्ग माध्य बल वैल्यू पूछ रहा है। मतलब आप लोगों को पीक वैल्यू ऑफ करंट दे रहा है कितना, 10√2 एम्पियर। एकदम पेपर का सबसे सरल क्वेश्चन होगा ये, आपसे आई आर एम एस वैल्यू पूछ रहा है। अरे कुछ नहीं करना है, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देना है। तो दिस विल बी 10√2/√2, मिल गया हमको 10 एम्पियर। क्या गया 10 एम्पियर ऑप्शन में है, कहानी खत्म, बन रहा है ना, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर आ जाओ। हाँ जी, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अच्छा सवाल है भाई, इसको प्यार से पढ़ना, सवाल को बढ़िया से पढ़ना। सवाल में दिया है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में ओमीय प्रेरणीय और धारा धारितीय प्रतिरोध क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 10 ओम है। मतलब इन एन अल्टरनेटिव सर्किट द ओमिक इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रेजिस्टेंस आर 5 ओम, 10 ओम एंड 10 ओम रिस्पेक्टिवली। क्या का दिया पहले डाटा उठा, मैं हमेशा देखो कभी सवाल तो पूरा पढ़ता ही नहीं, नेचर में ही नहीं है वो, एक लाइन पढ़ा उसका काम करूंगा। वी आर रेजिस्टेंस दिया है, ओमिय मतलब रजिस्टर वाला, प्योर रजिस्टर का केस में आप लोग को रजिस्टेंस दिया है सर कितना 5 ओम। याद रखना एक्सएल और एक्ससी भी ना अपने आप में प्रतिरोध की ही वैल्यू होते हैं, रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, प्रेरकत्व का रेजिस्टेंस है, और ये संधारित्र का रेजिस्टेंस है। इन दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 10-10 ओम रेस्पेक्टिवली। ऑल द थ्रीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, बढ़िया है, सबको सीरीज में ला के जोड़ दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है। यहाँ इंडक्टर जुड़ गया और यहाँ पर मेरा कैपेसिटर भी जुड़ गया, ठीक है। एलसीआर सर्किट जनरेट, क्या जनरेट हो गया हमारा LCR सर्किट। ये R है, ये L है और ये C है। LCR सर्किट जब बनता है, कहने को तो बहुत सरल क्वेश्चन बनेगा, दिखता बस बड़ा सा LCR सर्किट का क्वेश्चन आ गया, हे दा ये दादा, ऐसा कुछ नहीं भाई। इसमें एक चीज है कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, दैट मींस कि करंट की वैल्यू सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, वो भी मैंने बताया है कि ये जो रजिस्टर का पोटेंशियल रहता है वो बीच में रहता है, इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस टॉप पे रहता है, डोमिनेट करता है, और जो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है
वो पीछे चलता है। करंट तो सब में से कॉमन जाएगा बिकॉज दे आर लाइजिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी को कुछ किताब में VL माइनस VC करके लेके पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, आपसे पूछा गया तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, अरे मैं एक काम करता हूं, इसी का नॉर्मल फेजर डायग्राम बनाऊंगा। तो ये नीचे है, ये नीचे वाले को ऊपर लिखना चाहूंगा तो ये VL माइनस VC हो जाएगा, इधर अपने पास VR है। अब बचपन से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, ए बी और ये उसका क्या हो गया, रिजल्टेंट सी। तो जो हाइपोटेनियस होता है इन दोनों के स्क्वायर का सम होता है, यस और नो? तो हाइपोटेनियस को ही अपन जेड मान लेते, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, रूट ओवर, रूट ओवर इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस एक्स एल और इसका तो एक्स सी था, ठीक है। तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस VL माइनस VC, मतलब वो आई हटा देना ना यार, ठीक है। तो एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, याद रखना एक्स एल में से एक्स सी को माइनस करना, क्योंकि इंडक्टर ऊपर है कैपेसिटर नीचे है, एक्स सी माइनस एक्स एल मत कर लेना। हालांकि स्क्वायर लगाए तो कुछ भी करो, बात तो वही है, पर ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब ना आपको डाटा दे रखा है, डाटा दे रखा है, यहाँ लाला के चपका दो, ठीक है। फॉर्मूला रट के रखे हो तो अच्छी बात है, नहीं रट के रखे हो तो आपको बनाने आना चाहिए। तो डाटा में आप इसको रख दिए 5 स्क्वायर प्लस एक्स एल था 10, एक्स सी भी था 10 का स्क्वायर, तो दिस इज 0 स्क्वायर, 0 हटाओ उसको, रूट में 5 स्क्वायर, मतलब इंपीडेंस की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई है सर, 5 ओम। कितनी है? 5 ओम। वैसे भी ध्यान दो यार, सवाल मैंने इतना सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बता दिया। मैं तो बढ़िया दिमाग वाला अच्छा लड़का हूं, मैं तो ऐसे ही देखता हूं एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू जहां इक्वल हुई, रेजोनेंस का कंडीशन, रेजोनेंस का कंडीशन मतलब समझ गया अपन कि भैया जेड इक्वल टू आर होता है, आर की वैल्यू कितनी थी, 5 ओम। बिना सॉल्व किए आंसर अपन 5 ओम सीधे बना सकते थे, इसलिए फिजिक्स हमेशा या तो आप फॉर्मूलों के साथ बनाओ या तो फिजिक्स आपके साथ कॉन्सेप्ट के साथ चलता है। मेंटल कैलकुलेशन जिसको आता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इतने बड़े आधे पेज के क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर अपन सॉल्व कर सकते थे। यहीं से दिख गया था सवाल, रेजोनेंस का केस है, एक्सएल एक्ससी आपस में बराबर है, मतलब आर बराबर होगा जेड के, कहानी खत्म, 5 ओम, ठीक है। और देखेंगे अगला सवाल, चलिए तो अब अगला सवाल, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ये सवाल आराम से बना लोगे भाई, कौन सीन ही नहीं है इसमें। तो सवाल को आप रोकिए और स्वयं से प्रयास कीजिए, देखिए आराम से बन जाएगा। मैंने पहले ही क्वेश्चन में जब मैंने चीर फाड़ किया ना, वो देखो सारे सवाल ढहाते जा रहा है, बोल क्या रहा है, LCR क्रमशः भौतिक राशि या प्रेरक दो, ये सब सबको पता है। निम्न में से कौन सा आवृत्ति की विमा को प्रदर्शित करता है, विच रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कौन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को। तो भैया एक बात समझ लो, अगर मैं लेता हूँ रेजोनेंस का केस, LCR में अपन रेजोनेंस लेते हैं, मतलब XL और XC को इक्वल करते हैं, तो उस केस में ओमेगा L इक्वल टू, मैं क्या लिखा था, 1/ωc, सब कुछ पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ओमेगा स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया सर, 1/L × C हो गया सर, मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 1/√LC। अब ध्यान समझो, ओमेगा को ही आप लोग मेरे प्यारे साथियों क्या लिख सकते हो सर, 2π फ्रीक्वेंसी। ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच का तो यही रिलेशन है ना, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपसे पूछी गई थी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, तो 1/2π रूट में LC, डायमेंशन फॉर्मूला में किसी कांस्टेंट को लिया नहीं जाता है करके ये 2π को छोड़ दिया उसने और केवल क्या ले लिया, 1/√LC। याद रख लेना सब लोग, ये अपने आप में भी एक फॉर्मूला है LCR सर्किट में, ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है, तो सर 1/√L × C आती है, वेयर L इज इंडक्टर और C इज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, सवाल है कि LCR अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कितना है। तो भैया पावर के लिए, पावर फैक्टर लाने के लिए आप लोग को पता है VRMS into IRMS into cos phi लेते हैं, हाँ जी, और यही cos phi दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, ये cos phi पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है, शक्ति गुणांक के नाम से जाना जाता है, और इसकी वैल्यू आप लोग R/Z लेते हो। बात हो रही है किसकी, LCR सर्किट की। तो LCR सर्किट में अगर मेरा रेजोनेंस का कंडीशन बनेगा एट रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति में जब आप आओगे, तो अभी अभी आपने देखा था R और Z आपस में बराबर हो जाते हैं, दैट्स व्हाई ये वैल्यू 1 हो गई, और cos phi 1 तभी होगा जब cos phi 1 हो गया, बात खत्म, है ना ऑप्शन में।
एंगल के टर्म में तो देना नहीं है, फेस एंगल नहीं पूछा गया था, कॉस फाई पावर फैक्टर की वैल्यू पूछी गई है। ये कॉस फाई ही हमारा क्या है, पावर फैक्टर है, जिसकी वैल्यू बनाती है। अगला सवाल देख पा रहे हो अब आप लोग, देख रहे हो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अभी वाले सारे क्वेश्चन खुद से बन रहे हैं ना, मतलब पेपर में ही बन जाएंगे। बोल रहा है एक श्रेणी प्रणोदित एलसीआर सर्किट है, मतलब ड्रिवन सीरीज एलसीआर सर्किट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वे रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी पूछा है। अभी तो पढ़ लिया भाई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लाए थे, क्या लाए थे, यही तो लाए थे, अनुनाद की स्थिति में है आवृत्ति, पिछले दो सवाल पहले तो सॉल्व किया था, सीधा सीधा सवाल दिख गया हम लोग को, ठीक। चलिए सवाल देखिए, बोल रहा है कि एसी वोल्टेज 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ अ चोक, एल की वैल्यू दे रखी है 2 हेनरी, द करंट विल बी फ्लो थ्रू इट इन एम्पियर। ध्यान समझो, ये एल आर सर्किट है, सॉरी प्योर एल सर्किट है, ये क्या हो गया सर, प्योर एल सर्किट, क्योंकि इसमें कहीं भी प्योर इंडक्टर सर्किट है, प्योर इंडक्टर सर्किट, आप प्योर रजिस्टर पढ़ते हो, प्योर कैपेसिटर सर्किट पढ़ते हो और प्योर इंडक्टर सर्किट पढ़ते हो, फिर आप कॉम्बिनेशन करते हो एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, एलसी सर्किट वैसे हमारे सिलेबस में बहुत रेयर रहता है, और एलसीआर सर्किट, 6-7 टाइप के आप अलग अलग सर्किट पढ़ते हो अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे यहां पर ना कहीं रेजिस्टेंस नहीं दिया है, खाली इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है। तो इंडक्टेंस मतलब खाली प्योर सर्किट है ना हमारा, प्योर क्या दिया है हमारा, ये प्योर इंडक्टर सर्किट हो गया, इसको एसी सोर्स से अपन जोड़ दिए हैं। अब जब ये प्योर इंडक्टर सर्किट है, इसमें जो डाटा दिया है, मैं डाटा लिख लूं, डाटा एल की वैल्यू दी हुई है 2 हेनरी, और क्या दिया है सर, वोल्टेज दिया है सर 100 वोल्ट है जी, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है सर 50 हर्ट्ज की। आपसे पूछ रहा करंट क्या होगा, क्या पूछ रहा करंट क्या होगा, भैया करंट इज इक्वल्स टू, आप सबने पढ़ा है ओम्स लॉ, वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो आई इज इक्वल्स टू पढ़ते थे वी बाई आर, पर मेरे प्यारे साथियों इस बार रेजिस्टेंस नहीं आएगा, प्योर इंडक्टर सर्किट है, और इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल से लेते हैं, किससे लेते हैं एक्सएल से, और वो एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, और वो ओमेगा क्या होता है तो 2π फ्रीक्वेंसी, और एल है ही है, बन गया करंट। अब यहां से ला लोगे, सारा डाटा खोल के रख लो, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले बन गए हमारे, यही तो है फिजिक्स, एक फॉर्मूले को आप लोग अरेंज करते जाओ, नए नए फॉर्मूले गढ़ते जाओ। तो वोल्टेज दिया था भैया 100 2π, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50, सर कितनी दी हुई है सर 50, अच्छा, और एल की वैल्यू भी दी है सर 2, तो एक काम करता हूं मैं, नीचे का 100 ऊपर का 100 ऐसे ऐसे बूम बाम कर दिया मैंने, 1/2π, क्या इसी फॉर्मेट में अपने पास ऑप्शन में है, क्या है ना सर, ऑप्शन नंबर ए, 1/2π अल्टरनेटिंग करंट हम लोग को ऑप्टेन होगा, इस सवाल का एक्चुअल जवाब मिल गया, ठीक है। आगे आइए, मजा आ रहा ना भाई, बड़ा बड़ा सवाल भी अब आराम से बन रहा है, नहीं बन रहा है, डर जैसा तो कोई चीज नहीं रह रहा ना, अब इससे टफ न्यूमेरिकल वो क्या पूछ लेगा, नहीं पूछ सकता इससे टफ न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए, बोल रहा है एक लैंप को कार्य करने के लिए 80 वोल्ट पर 10 एम्पियर की दृष्ट धारा की आवश्यकता होती है, ठीक है, वोल्टेज दे रखा है, अच्छा आगे और बोल रहा है, यदि यह 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा जाए तो इसे काम करने के लिए आवश्यक प्रेरकत्व का मान आप लोग को लाने बोला गया है, क्या बोला गया है आप लोग को, एक्चुअल में इसमें इंडक्टेंस की फाइनल वैल्यू हम लोग को ऑप्टेन करनी है। तो पहले तो एक काम करो ना भैया, पहले जब नॉर्मल डीसी वाला सर्किट है, तो डीसी वाले सर्किट में आपको वोल्टेज कितना दिया था सर, वोल्टेज दिया है सर 80 वोल्ट और उस समय करंट दिया है सर 10 एम्पियर, तो आप रेजिस्टेंस ला लोगे, रेजिस्टेंस आप लोग को मिलता है वी बाई आई, ओम्स लॉ, तो 80/10 कर दिया मैंने, मुझे कितना ओम का रेजिस्टेंस मिल गया सर 8 ओम का, एक सवाल तो मैंने शुरू के पहले एक लाइन से निकाल लिया यहां तक में। अब और अब इसको कनेक्टेड करना है, किसके साथ कनेक्टेड करना है, एक ऐसा सोर्स के साथ जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट का है जी, इज नीडेड, और फ्रीक्वेंसी दिया है सर 50 हर्ट्ज का है जी, और एसी सर्किट से सप्लाई किया गया है, उस समय इसके इंडक्टेंस की वैल्यू, प्रेरकत्व का मान आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है, आवश्यक श्रृंखला प्रेरक क्या है, सीरीज इंडक्टर की वैल्यू आपसे पूछ दी गई है। भैया कोनो दिक्कत नहीं है, आराम से काम चलाना है, हम लोग इतना समझ रहे हैं
कि इस बार जब आप लोग जेड लाओगे, क्योंकि एलआर सर्किट हो गया ना, इस बार इंडक्टर भी है और रजिस्टर भी है, तो ये एलआर सर्किट है। एलआर सर्किट के लिए आपको पता है एल कैसे, जेड कैसे लेंगे, इंपीडेंस या प्रतिघात की वैल्यू कैसे लाएंगे? सर रूट में आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल क्या होता है सर, सबको पता है, ठीक है, आर स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू निकाल के रख सकते हो ना, एक्सएल क्या है, ओमेगा एल है, और ओमेगा क्या है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल लगा दिया मैं, उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये जेड की वैल्यू आप लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे जेड। कॉम्बिनेशन क्या है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले से बोल रखा है सवाल में, क्या बोल रहा है, श्रृंखला प्रेरकत्व, सीरीज इंडक्टर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का केस ले रहा हूं, मतलब मैं ऐसा ले रहा हूं भाई, एलआर सर्किट अपना ऐसा बना, ठीक है, इस बार एसी सोर्स से जोड़ रहा हूं मैं, ठीक। रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को पता है सर, 8 ओम है, इसका नहीं पता, इसका अभी एल है। जेड अपने को मिल गया। करंट क्या होता है सर, करंट हमेशा होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जगह पे इस बार प्योर रजिस्टर सर्किट नहीं है, इस बार एलआर सर्किट है। एलआर सर्किट है मतलब जेड से डिवाइड करो, जेड इन टर्म्स ऑफ एल आपको मौजूद है। करंट की वैल्यू भी आपको पता है, करंट दिया है ना 10 एम्पियर, भैया सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट कभी बदलेगा ही नहीं, करंट 10। वी की वैल्यू अभी 220 लेनी है दोस्तों, रूट ओवर आर स्क्वायर, आर वॉट, 8 ओम आ चुका है, तो दिस इज 8 स्क्वायर 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज 50, और बगल में क्या एल, इसका होल स्क्वायर कर देना। इकलौता एक अननोन कौन बचा है हमारा, एल, उसको सॉल्व कर लेना, ऑप्शन आप लोग का ये आएगा, बस इतना सा खेल था। तो टफ से टफ वैरायटी के क्वेश्चन हो, इजी से इजी मेथड से अपन इसको डील कर सकते हैं। अगला सवाल जल्दी से देखिए और तड़ाक से आंसर दीजिए। का दे रखा है भैया, एल दिया है, सी दिया है, एलसीआर दिया है, परिपथ में प्रतिध्वनि आवृत्ति पूछा गया है। अरे भैया आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 1/2π रूट में एलसी, पढ़ पढ़ के इतना तो समझ गए, सारा डाटा ला ला के पुट करो, कहानी खत्म करो। दिस इज 1/2π रूट ओवर एल की वैल्यू दोस्तों 100 है। अच्छा वो माइक्रो और मिली है, मेंटेन कर लेना। एक काम करो, ये हो गया 10^4, माइक्रो का 10^3 और मिली का 10^6, टोटल 10^-9, 10^-9 फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू हो गया 1/2π, रूट के अंदर कितना बच रहा है, 10^-5, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर लेना, जैसा भी रहेगा, इसको आप 10 × 10^-6 कर लो, 10^-3, 10 की वैल्यू होती है खुद रूट पाई, तो पाई पाई 10 मान लो, 2 × 10 = 1/20, 1/20 × 10^-3, 10^3 ऊपर आ जाएगा, तो 1000/20, 1000/20 50 वोल्ट। मैथमेटिकली आपको बनाने आना चाहिए, देख लेना भाई, मैं मैच थोड़ा अप्रोक्सीमेटली मैं ले लिया हूँ, जल्दीबाजी में हो सकता है गलत हो, चेक कर लेना। हाँ जी, इस सवाल को देखो और ट्राई करो का सवाल का जवाब आएगा। एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछ दिया है, आप देखोगे तो बोलोगे सर टफ लेवल है, टफ लेवल है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। मैं तो अच्छे बच्चे की तरह देखता हूँ इसको बड़े प्यार से, तो मैं क्या पाता हूं कि सर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का वैल्यू सेम दे रखा है। जब दोनों का वैल्यू सेम दे रखा है ना सर, तो अपन तत्काल प्रभाव से समझ गए सर रेजोनेंस का केस है। किसका केस है सर, रेजोनेंस का केस है। और जब भी रेजोनेंस का केस होता है आपको पता है एक्सएल एक्सी के बराबर आता है, जो कि दिया भी है ना जी, और आर इक्वल टू हो जाता है जेड के, ठीक है। मतलब आप जो करंट निकालने वाले हो वो वोल्टेज डिवाइडेड भाई आप लोग क्या निकालोगे, जेड। जेड की जगह पे मेरे प्यारे साथियों रख दोगे आर। वोल्टेज कितना दिया था सर, 100 वोल्ट दिया था, और आर कितना है सर, आर 50 ओम का है, तो करंट कितना एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर। तो आप चेक कीजिए करंट 2 एम्पियर कहाँ है, तो सर वो तो 3 ऑप्शन में है, ये वाले में नहीं है। और वोल्टेज कितना है सर, वोल्टेज यही है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट 2 एम्पियर ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। कद का देर लगा, बना ना तत्काल प्रभाव से, ठीक है। तो चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन ये दिया हूं मैं आप लोग को, इसको ट्राई करना। अब ये सवाल है भैया आराम से, अब आप लोग से बनना चाहिए, भले ही अब कितना भी टफ क्वेश्चन पूछे बनना चाहिए भाई। पावर पूछा है दोस्तों, आपको वी नॉट की वैल्यू दे रखी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोग को सॉल्व कराया है, 2.5 वोल्ट के आसपास मेरे ख्याल से आंसर आता था, किलो वोल्ट के आसपास, देख लेना। इसमें मैं ऐसे नहीं मारता, क्योंकि V नॉट पता है तो VRMS आ जाएगा, I नॉट पता है IRMS आ जाएगा, cos phi में phi की वैल्यू phi / 3 रख देना, पावर ला लो, पावर कितना हो जाएगा 100/√2 into what, अगेन 100/√2 cos phi, cos phi की जगह पे अपने को दिख रहा है π/3, ये हो गया 1/2, ये 2, √2 √2 √2, तो कितना हो जाएगा सर, ये 10^4 / 4
या 4 से इसको काट दिए तो 25 × 100 2.5 किलोवाट आ रहा है सर। बना चुके हैं हम इस सवाल को। तो मेरे प्यारे साथियों, पूरा आप लोग का अल्टरनेटिंग करंट, LCR सर्किट, LR सर्किट, दुनियादारी, जितने भी हमारे अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, हमने सारी चीजों को कवर कर ली है। होप सो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और इतना कवर कर लीजिए, इससे बाहर आप लोगों को सवाल आने की गुंजाइश बहुत रेयर है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम के लिए सबको ढेरों शुभकामनाएं। खूब बढ़िया पेपर बनाइए और जिस स्ट्रेटेजी को मैंने बोला आप उसी स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। 3 लेयर पे आप क्वेश्चन बनाएंगे। पहले के 1.5 घंटे में जितना आपसे बनता है आप उतना ही बनाना, और उसके बाद का जो समय बचता है उसके में मैंने बोला ऑप्शंस मैच करना और फिर उस हिसाब से तुक्का लगाना। 25% के चांस को 50% और 50% को 100% में तोड़ना। तो ढेरों शुभकामनाएं हैं, और एक बार पेपर अच्छे से क्लियर करके मुझे जरूर इन्फॉर्म करना, फिर एक नए रणनीति से हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।